हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु तिवारी निर्णय अकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इस समय आप भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं और जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में आपसे चर्चा कर चुका हूं कि अर्थशास्त्र की आपके जो विभिन्न परीक्षाएं हो रही हैं उसमें अर्थशास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अर्थव्यवस्था का जो विभाजन किया गया वो हम लोगों ने देखा कि वैश्विक आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन किया गया, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था पढ़ा गया, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा गया। अर्थव्यवस्था को मापने की कैसे मापा जाएगा, तो आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, इन सबको पढ़ने के बाद जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पढ़ना है हमें इस वीडियो के अंतर्गत, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र जिसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, आपका दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र जिसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र जिसे टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। ये समझिएगा कि जैसे सपोज करिए ये किसी देश की अर्थव्यवस्था है, इस देश की अर्थव्यवस्था में इतना प्रोडक्शन हुआ, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन होता है, तो कोई भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन केवल दो का होता है, या तो अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन वस्तुओं का होता है, या तो अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन किस चीज का होता है, सेवाओं का होता है। यानी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन किसका किसका होता है, तो वस्तुओं का होता है या फिर सेवाओं का होता है। इस संसार में जितने भी चीजें बनाई जा रही हैं, या तो वह वस्तु होगी या तो वह सेवा होगी। भारत में जितनी भी चीज का प्रोडक्शन एक वर्ष में हो रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, वह केवल दो चीज बन रही है, या तो वस्तु का प्रोडक्शन होगा या तो सेवा का प्रोडक्शन होगा। क्लियर है? प्रोडक्शन दो चीज का कर रहे हैं हम, लेकिन जो प्रोडक्शन करेंगे उसको हम लोग मानो इतना प्रोडक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में हुआ, यानी इतना प्रोडक्शन, जैसे भारत का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में इतना प्रोडक्शन हुआ, तो जितना प्रोडक्शन होगा वह या तो प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्शन हो रहा होगा, या तो वह द्वितीयक क्षेत्र से प्रोडक्शन हो रहा होगा, या तो वह तृतीयक क्षेत्र से प्रोडक्शन, यानी जो भी प्रोडक्शन होगा वह तीन क्षेत्र से प्रोडक्शन किस चीज का होगा, वस्तु या सेवा का। और ये जो वस्तु एवं सेवाएं बनेगी, जो उनका प्रोडक्शन होगा, या तो वह प्राइमरी सेक्टर से, या वह सेकेंडरी सेक्टर से, या वह टर्शियरी सेक्टर से प्रोडक्शन होता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये कि भारत की, जैसे आप लोग इस समय खूब चर्चा में है कि भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट बड़ा कम हो रहा है, जीडीपी इस समय हमारी बढ़ नहीं पा रही है, जीडीपी इस समय घट रही है, या आप इस समय खूब न्यूज में चर्चा चल रहा है। जीडीपी का मतलब अगर हम सामान्य भाषा में, अगर व्यवहारिक भाषा में, एक फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसी के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं, उसे जीडीपी कहते हैं। उत्पादन यानी जो एक प्रोडक्शन हुआ, तो हमने अभी चर्चा किया कि प्रोडक्शन केवल दो चीज का होगा, या तो वह वस्तु का प्रोडक्शन होगा या तो वह सेवा। तो जो एक जीडीपी में प्रोडक्शन हुआ टोटल, वह या तो वो प्राइमरी सेक्टर से आया होगा, या तो वह सेकेंडरी सेक्टर से आया होगा, या टर्शियरी सेक्टर से। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं और इसमें किन किन मदों को शामिल किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में किन को शामिल करते हैं और टर्शियरी सेक्टर में, यहां से आपके एग्जाम में बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा, इनको समझ के रखना होगा। तो देखेंगे हम लोग आपको जो देखेंगे वह है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, अब इसको हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी सेक्टर का क्या तात्पर्य होता है, ऐसे उत्पाद जिसको हमें प्रकृति ने दिया हो। किसने दिया, प्रकृति ने दिया,
और उस उत्पाद को, यानी कोई ऐसा उत्पाद जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है और मानव के द्वारा उसका सीधा उपभोग कर लिया जाता है, तो उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। समझिएगा, यानी अगर कोई उत्पाद हमें, ऐसे उत्पाद जो हमको प्रकृति देती है और उस प्रकृति प्रदत्त उत्पाद को हम क्या करें, सीधा उपभोग कर ले, तो उस उत्पाद को हम क्या बोलेंगे, यानी उस उत्पाद को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा, तो उसे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखेंगे। प्राइमरी सेक्टर का मतलब कुल मिला के ऐसा जो प्रकृति की दे हमको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गेहूं हमें किसने दिया, तो गेहूं का बीज हमने कुछ मुट्ठी भर डाला, लेकिन उससे हमें क्या हुआ, ढेर सारा अनाज मिल गया। जितने भी खाद्यान्न वस्तुएं हैं, यानी कृषिगत वस्तुएं, यानी प्राइमरी सेक्टर को कृषिगत क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्राइमरी, कि यानी जितनी भी आपका कृषिगत वस्तुएं होती हैं वह हमें प्रकृति प्रदत्त है, कृषिगत उत्पाद, गेहूं, चावल, चना, मटर, अरहर, सरसों, ये सब किसने दिया हमको, प्रकृति ने हमको उत्पाद दिया। अर्थात क्या होगा, अर्थात प्राइमरी सेक्टर में किसको सम्मिलित किया जाएगा, जितने भी प्राकृतिक उत्पाद हैं उनको हम सम्मिलित कर देंगे। और जंगल को किसने दिया, यानी जितनी भी खाद्यान्न वस्तुएं हैं, जितनी कृषिगत वस्तुएं हैं उनको हम लोग किसमें रखेंगे, तो आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा, जितने जंगल हैं, यानी वन एवं वानिकी, वानिकी क्षेत्र, वानिकी जो क्षेत्र है वह किसके अंतर्गत सम्मिलित होगा, तो वानिकी जो क्षेत्र है यानी जंगल है वह किसने दिया, क्या हमने लगाया जंगल, नहीं लगाया, तो जंगल को अगर हमने नहीं लगाया तो जंगल को प्रकृति ने हमको दिया, अर्थात ये किस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होगा, तो ये आपका वानिकी जो है आपका किसके अंतर्गत, तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत सम्मिलित होगा। जैसे मत्स्य पालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, मछली को किसने दिया, बस एक ट्रिक आपको रखना है कि हमको दिया किसने, अगर उस उत्पाद को प्रकृति ने दिया इसका मतलब वो किसके अंतर्गत आएगा, तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। अर्थात क्या होगा, मत्स्य पालन किसके अंतर्गत, तो आप प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। अब अगर हम लोग और आगे करें, कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन किसके अंतर्गत आएगा, तो कुक्कुट जो पालन है वह आपका किसके अंतर्गत, क्योंकि जो मुर्गी दिया वो किसने दिया, हमको प्रकृति ने दिया, प्रकृति ने दिया इसका मतलब किसके अंतर्गत आएगा, तो पशु पालन है, पशुओं को किसने दिया, गाय को किसने दिया, भैंसों को किसने दिया, प्रकृति ने दिया, इसका मतलब वह आपका पशुपालन किसके अंतर्गत होगा, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होगा। अब अगर हम और आगे बात करें कि इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें, आपका जो खनन क्षेत्र है, जो विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन है वो हमको किसने दिया, लोहा है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, जो विभिन्न प्रकार के आपके जो हमको मिला वह सारे क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। अर्थात जो कृषिगत वस्तुएं हैं, वानिकी है, मत्स्य पालन है, कुक्कुट पालन है, पशु पालन है, खनन है, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत सम्मिलित होंगे, तो राइट उत्तर क्या होगा आपका, तो राइट उत्तर होगा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। क्यों उस प्राइमरी सेक्टर के, क्योंकि हमने परिभाषा में आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर वे उत्पाद होते हैं जो सीधे प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं और मानव क्या करता है, उनका सीधा उपभोग कर लेता है, इसलिए इनको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वन एवं वानिकी किस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है, तो आपको ऑप्शन को चूज करना होगा, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। यानी आपका पशुपालन किसके अंतर्गत आएगा, खनन क्षेत्र, यहां तीन आपको एकदम याद रखना होगा, कृषिगत ये एग्जाम में आपके पूछ रहा है वो, ये तीनों आपको समझ करके रखना होगा। अब अगर हम लोग बात कर लें अर्थव्यवस्था के बाद में प्राथमिक क्षेत्र के, तो प्राथमिक क्षेत्र में जैसे हमारी जो टोटल जीडीपी इतनी है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी इतना है टोटल, जीडीपी का मतलब अभी चर्चा किया मैंने,
एक फाइनेंशियल ईयर में एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है उसे ही क्या बोलते हैं, उसे जीडीपी कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसे कहा जाता है। अब यह ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था यानी भारतीय स्वतंत्रता के समय में जो टोटल इतनी जीडीपी है, अब इसी को हमें तीन भागों में डिवाइड करना है, अर्थात उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 55% की भागीदारी, इतना आधे से भी ज्यादा जो है अर्थात 55% की भागीदारी किसकी थी, तो कृषि क्षेत्र की यानी प्राथमिक क्षेत्र की थी। इसका मतलब उस समय हमारे देश में उद्योग थे ही नहीं। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब उद्योग है, तृतीयक क्षेत्र का मतलब सेवा क्षेत्र है, और उस समय 55% की भागीदारी यानी जितना टोटल प्रोडक्शन होता था उसमें कृषि क्षेत्र की अर्थात प्राइमरी सेक्टर की, यानी हमारे देश में उस समय केवल गेहूं चावल चना मटर जंगल मछली अंडा पशुपालन यही सब होता था जब हमारा देश आजाद हुआ। तो यानी टोटल अगर यह प्रश्न हुआ आएगा नहीं, बट एक जैसे सिविल में जो छात्र देने उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की जो भागीदारी थी वो बहुत आधी से भी ज्यादा, कितना थी, आधे से भी ज्यादा थी। लेकिन आज जैसे जैसे भारत तरक्की करता जा रहा है यानी वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भागीदारी मात्र 17% बचा हुआ है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भागीदारी दिन दूना क्या हो रहा है, लगातार कम होता चला जा रहा है, कम होना चाहे जितना ही कृषि क्षेत्र की अमेरिका में कुल जीडीपी में अगर बात करें अमेरिका की, वहां कुल जीडीपी पे प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी मात्र 5% है। वही देश विकसित देश बनेगा जहां पर प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी कम हो। क्यों कम हो, जैसे हमने लोहा का प्रोडक्शन किया, अब लोहा को हम बेचें और हमको अमेरिका और हम जापान से दक्षिणी कोरिया से स्टील खरीदें, हमने में जापान को लोहा बेचा और वही लोहा तो प्राथमिक क्षेत्र, और जब वो स्टील में बन गया तो वो द्वितीयक क्षेत्र, यानी स्टील बेचने में ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, यानी आपका गेहूं बेच रहे हैं और वही गेहूं से हमको क्या मिल रहा है, ब्रेड मिल रहा है, हम ब्रेड नहीं बना रहे हैं। लेकिन अब बिंदु ना क्या हो रहा है, अब भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी घट रही है इसका मतलब द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही होगी या तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही होगी, तब तो हमारा ये घट रहा है, क्योंकि ये होगा टोटल तो 100% होगा, 100% में 17% किसका हो गया, प्राइमरी सेक्टर का है वर्तमान में। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसको आपको याद करके समझ करके रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात कर लें किसकी, अर्थव्यवस्था में कुछ और द्वितीयक क्षेत्र की, यानी और का मतलब सेकेंडरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र को समझने के बाद हम लोग अब देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी, यानी कुल मिलाकर भारतीय स्वतंत्रता के समय प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा था, लेकिन आज धीरे धीरे करके भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी क्या हो रहा है, आपका कम होता जा रहा है, जो एक शुभ संकेत है। लेकिन अगर जैसे 55% पहले थी और आज 17% हो गया, लेकिन भारत में सर्वाधिक रोजगार अभी भी कृषि क्षेत्र दे रहा है, यानी अभी भी भारत की कुल पॉपुलेशन का 53% लोगों को रोजगार प्राथमिक क्षेत्र देता है। यानी अर्थव्यवस्था में भागीदारी लगातार घटती जा रही है, लेकिन रोजगार का अवसर सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र में जितना जरूरत है उससे ज्यादा लोग लगे हैं, इसका मतलब यह है कि इसीलिए कृषि क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी है।
यानी कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी का स्वरूप पाया जाता है कि यानी जितने लोगों की आवश्यकता है उससे भी ज्यादा लोग लगे हुए हैं। 55 यानी 55 आपका 17% जीडीपी में भागीदारी और लोग को रोजगार कितना, लोगों को रोजगार दे रखा है इसने 53%। यानी भारत में 53% जितनी पॉपुलेशन है भारत की उसमें कुल पॉपुलेशन में 53% लोगों को रोजगार किस सेक्टर ने दे रखा है, यानी प्राथमिक सेक्टर ने दे रखा है, जबकि इनकी इनका जो है जीडीपी में योगदान घटता जा रहा है। इसका मतलब कि इनको अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा होगा। अगर इनका इतने लोग लगे हैं, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी है और जबकि योगदान उनका लगातार, इसका मतलब द्वितीय सेक्टर का आपका योगदान बढ़ रहा है बट उसमें रोजगार कम है, यानी क्योंकि 47% ही तो बच रहा है अभी। अर्थात कहने का कि वहां पर कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी आपका डिसड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे किया जाए कि जो कृषि क्षेत्र पर लोगों को रोजगार की जो निर्भरता है वो घटे। घटे कैसे, अब वहां पे अब जो रोजगार के अवसर जिस प्रकार से आप क्रिएट किए हैं वह नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में, आपको रोजगार के और बेहतर संभावना क्रिएट करना होगा। अब देखा जाए द्वितीय क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र जिसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद हैं, किस सेक्टर के, प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं, यदि उनको कारखाने में, फैक्ट्री में, उद्योग में मशीन से या मानव से उसको क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, मैन्युफैक्चर कर दिया जाए, तो उस सेक्टर को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। यानी क्या आपने पढ़ा कि यदि जो प्राइमरी सेक्टर का जो कोई प्रोडक्ट है अगर उसी प्रोडक्ट को क्या कर दिया जाए, कारखाने में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, उद्योग में, या तो मशीन से या तो हाथ से ही क्या कर दीजिए, उसको बदल दीजिए, उसका संरचना बदल दीजिए, तो उस जो उत्पाद को हम किस सेक्टर के अंतर्गत रखेंगे, तो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गन्ना है, गन्ना तो प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन यदि इस गन्ना को क्या बना दिया जाए, गन्ना से चीनी बना दीजिए, तो चीनी क्या हो गया, चीनी जो प्रोडक्शन प्रोडक्ट है ये आपका द्वितीयक सेक्टर का है, जो गन्ना है वह प्राइमरी सेक्टर का है। जैसे आपका कपास, तो कपास तो प्राइमरी सेक्टर का है, यदि हम इस प्राइमरी सेक्टर के उत्पाद को क्या कर दें, तो इस प्राइमरी सेक्टर के उत्पाद को मैन्युफैक्चर कर दें, यानी बदल दें, उसका स्वरूप संरचना बदल जाए और उससे क्या बना दें, कपड़ा बना दें, तो क्या हो जाएगा वो, तो आपका कपड़ा क्या है, द्वितीयक सेक्टर। जैसे लोहा है, तो लोहा को हमने क्या बना दिया, लोहा यदि तो प्राइमरी सेक्टर, लेकिन यदि लोहे से हम क्या कर दें, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियां बना दें, तो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वह क्या कहलाएगा, वह आपका सेकेंडरी सेक्टर होगा। जैसे आपने मिट्टी है, तो मिट्टी हमको प्रकृति ने दे रखा है अर्थात ये प्राइमरी सेक्टर, लेकिन यदि मिट्टी से हम ईंट बना दे, तो यानी कुल मिलाकर के ये आप देख क्या रहे हैं, गेहूं है तो गेहूं से ब्रेड बना दे, तो टमाटर है प्राइमरी सेक्टर और टमाटर से सॉस बना दीजिए। यानी यदि हम किसी प्राथमिक उत्पाद को मैन्युफैक्चर कर दें, उसको बदल दें, तो वो क्या कहलाएगा, तो द्वितीयक क्षेत्र। दुनिया में विकसित देश वही बनेगा जिसके यहां पर सेकेंडरी सेक्टर का क्या हो, भूमिका सबसे ज्यादा होगा, वही देश क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर ही रोजगार की सबसे अधिक संभावना वाला होता है। जैसे अमेरिका में बेरोजगारी कम क्यों है, क्योंकि वहां का सेकेंडरी सेक्टर सबसे अधिक स्ट्रांग है। हमारे यहां पर क्या, जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया कि हमारे यहां पर कृषि क्षेत्र का रोल घट रहा है,
लेकिन रोजगार अभी भारत के 53% लोगों को रोजगार प्राइमरी सेक्टर ने दे रखा है। होना यह चाहिए कि हम गन्ना पैदा करें बट उसको चीनी बनाकर के इंटरनेशनल मार्केट में बेचे, कपास बनाए हम और उसको क्या करें कि आपको कपड़ा बनाकर के इंटरनेशनल मार्केट में बेचे, तो लाभ ज्यादा होगा और रोजगार की संभावना भी ज्यादा होगी। ये तो आपने परिभाषा देखा, समझ लिया कि द्वितीय क्षेत्र होता क्या है। अब इसमें शामिल किसको करते हैं यह समझना होगा। तो द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण क्या हैं? तो द्वितीय क्षेत्र का जो उदाहरण है पहला वह है विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। गांधी जी अभी मोदी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में क्या किया जा रहा है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य है कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बना दिया जाएगा। जैसे वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी देश का अगर स्ट्रांग है तो वह देश है कौन सा? चीन। यानी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज मोबाइल वहां बन रहा है। अब सोचो मोबाइल बनने के लिए क्या किया उसने? प्लास्टिक कहीं से मंगाया और इस प्रकार के उसने उत्पाद को लेकर के उसने एक नया प्रोडक्ट बना दिया। मतलब आज वो प्लास्टिक से खिलौने, प्लास्टिक के विभिन्न सामान, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जिसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब यह हुआ कि वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, कितने उद्योग हैं, ऑटोमोबाइल उद्योग, साइकिल उद्योग, दवा उद्योग, मोबाइल उद्योग, जितने भी आपके आप उद्योग का नाम लेंगे वो सारे के सारे क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा आपका है निर्माण क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन एरिया, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो ये तो जितने भी उद्योग हैं वो सम्मिलित होंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सड़क, पुल, भवन, ये सब क्या है? कंस्ट्रक्शन एरिया है। यानी इनका भी आपको क्या होगा? कंस्ट्रक्शन एरिया भी किस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होता है? तो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब अगर हम लोग और आगे बात करें कि इसके अंतर्गत और किसको सम्मिलित किया जाता है, तो जैसे विद्युत क्षेत्र, विद्युत बनता किससे है? कोयला प्राइमरी सेक्टर, बट कोयले से बिजली बना दो तो आपका द्वितीय क्षेत्र। जल प्राइमरी सेक्टर, जल से बिजली बना दो तो वो आपका द्वितीय, जिसे आपने यहां पे क्या लिया है? वस्त्र में क्या, वस्त्र उद्योग में क्या है? प्राइमरी सेक्टर के उत्पाद को मैन्युफैक्चर कर रहे हो। यहां पे आप लोहे को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यहां पे लोहे को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यहां पे विभिन्न प्रकार के या केमिकल को, विभिन्न प्रकार के जैसे जड़ी बूटियों का आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यहां पे मिला के प्राइमरी सेक्टर को ही आप मैन्युफैक्चर कर दे रहे हो। अर्थात यहां पे विद्युत में भी क्या होता है? आपका प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम लोग और आगे बात कर लें कि जैसे या जैसे बिजली निर्माण भी लिख सकते हो, जैसे जलापूर्ति, यानी जला जो पूर्ति है वह भी हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? तो वह भी रखा जाएगा किसके अंतर्गत? तो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। गैस प्रोडक्शन, गैस का प्रोडक्शन भी हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वह विनिर्माण क्षेत्र और आपका निर्माण क्षेत्र जो है वह किसके अंतर्गत सम्मिलित होता है? तो राइट उत्तर क्या होगा? तो राइट उत्तर आपका होगा क्या? तो राइट उत्तर आपका होगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसा हमने बताया कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था है और भारतीय अर्थव्यवस्था में 17% की भागीदारी किसकी है? कृषि क्षेत्र की है। अब जो द्वितीय क्षेत्र की भागीदारी है
वह कितने प्रतिशत की है? तो द्वितीय क्षेत्र की भागीदारी लगभग 31% की है। यानी टोटल जीडीपी में आपका सेकेंडरी सेक्टर की जो भूमिका है वह कितने प्रतिशत है? तो टोटल जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर की जो भूमिका है वह कितने प्रतिशत है? तो आपका राइट उत्तर होगा 31% है। क्लियर है सभी को? द्वितीय क्षेत्र में इन चीजों को सम्मिलित किया जाएगा। अब अगर हम लोग बात कर लें, द्वितीय क्षेत्र के बाद है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अब अगर हम लोग बात कर लें कि तृतीय क्षेत्र कहते किसे हैं, तो तृतीय क्षेत्र का मतलब है कि ऐसा सेक्टर जो प्राथमिक क्षेत्र को क्षेत्र को एवं द्वितीय क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र को एवं द्वितीय क्षेत्र को उत्पादन करने में, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करें, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र को एवं द्वितीय क्षेत्र को उत्पादन करने में सहयोग प्रदान करता है उसे आपका तृतीय क्षेत्र कहते हैं। स्वयं उत्पादन नहीं करता है, उत्पादन करने में सहयोग प्रदान करता है तो उसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी आपका जो टर्शियरी सेक्टर है वह या सेवा क्षेत्र है, तो उन सेवाओं के माध्यम से प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र को उत्पादन करने में, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे किसान है, किसान उत्पादन तो करता है लेकिन वह उत्पादन करने में किसे सहयोग लेता है? बैंक का सहयोग लेता है। तो बैंक से सहयोग, ऋण लिया, अब बैंक से बीज खरीद लिया और बीज खरीद करके अपने खेतों में, यानी बैंक क्या है? आता एक सर्विस प्रोवाइडर वाली संस्था है। यानी बैंक क्या कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर को, जैसे उसने अपने खेत का बीमा करा लिया, तो बीमा क्या है? तो बीमा आपका क्या होगा? सर्विस प्रोवाइडिंग वाली संस्था है। जैसे और क्या है? आप जैसे बैंक हो गया, बीमा हो गया, और जैसे मान लीजिए जो परिवहन के साधन, जो उसने प्रोडक्शन किया उसको मंडी में ले जाने का काम, यानी कौन करता है? तो परिवहन वाली संस्थाएं करती। यानी सड़क है के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से वह क्या करता है? यानी जो तृतीय क्षेत्र है, जो आपका सेवा जो क्षेत्र है, वह क्या करता है? तो यह उत्पादन करने में सहयोग करने का काम करता है, स्वयं प्रोडक्शन नहीं करता है। तृतीय क्षेत्र स्वयं उत्पादन न करके उत्पादन करने में सहयोग करने का। अब यहां पे भी ध्यान देना है, यानी हम पहले परिभाषा को पढ़ते हैं और फिर परिभाषा को पढ़ने के बाद उस उदाहरण को पढ़ते हैं। अब यहां पे हम लोगों को क्या समझना होगा? तो उन्हीं उदाहरणों को, क्या आपका तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाएगा? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसको किसको हम लोग सम्मिलित करेंगे? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका सम्मिलित किसे किया जाएगा? पहला है, जैसा आपने देखा, बैंक एवं बीमा।
बैंक एवं बीमा जो क्षेत्र है वह किसके अंतर्गत सम्मिलित है, तो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा आपका है परिवहन, परिवहन एवं संचार क्षेत्र। अब परिवहन चाहे वो सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो, जल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, या जैसे मोबाइल सेक्टर हो, कंप्यूटर सेक्टर हो, इंटरनेट सेक्टर हो, सबको हम लोग इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लेंगे। क्लियर है? अब जैसे अगला कर लीजिएगे, जैसे आपका होटल एवं रेस्टोरेंट, होटल एवं रेस्टोरेंट किसके अंतर्गत सम्मिलित होंगे, तो जितने भी आपके क्या होंगे वो हम लोग इसी के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। जितने भी लोक प्रशासक हैं, लोक प्रशासन को, यानी एक अध्यापक किसके अंतर्गत सम्मिलित होगा, वो अध्यापक कर क्या रहा है, वो अध्यापक अपनी सर्विस दे रहा है किसको, सहयोग करने के लिए प्राइमरी सेक्टर एवं द्वितीय क्षेत्र को। अर्थात जो अध्यापक है, लेखपाल है, आईएएस है, आईपीएस है, मुख्य सचिव, जितने भी कर्मचारी लगे हैं वो सारे क्या हैं, किस सेक्टर के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। जैसे हमारी सैन्य सेवाएं हैं, सैन्य सेवाएं एवं पुलिस, सैन्य सेवाएं एवं पुलिस, जैसे स्कूल एवं विश्वविद्यालय, यानी जितने भी स्कूल खुले हुए हैं, जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक एवं कौन, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब क्या है, अपनी सर्विस देते हैं। अब सोचिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक डॉक्टर ने क्या किया, केवल क्या किया, एक छोटा सा पर्चा आपसे लिया और उसी पे लिख दिया 500 रुपए ले लिया, तो 500 रुपए लेके छिछा रहा है वो अपनी सर्विस आपको दे रहा है उस सर्विस के बदले। तो ध्यान दीजिएगा, ये आखिरकार इसका स्टडी क्यों कर रहे हैं हम लोग, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पढ़ा क्यों जा रहा है। इस अर्थव्यवस्था के माध्यम से जो आपका ये पता चल पाएगा कि किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में टोटल प्रोडक्शन, आपके देश में जो स्कूल एवं विश्वविद्यालय के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से, लोक प्रशासक के स्टोले, जितने भी सर्विस प्रोवाइडिंग वाली संस्थाएं, सबका गणना किया जाता है कि वो कितना प्रोडक्शन एक साल में, क्योंकि ये अपनी सर्विस का प्रोडक्शन करती है, वस्तु एवं सेवा का प्रोडक्शन नहीं करती, सर्विस का प्रोडक्शन करती है, इसलिए इसको देखा जाएगा कि आखिरकार वो किस चीज का। इसके अलावा और भी हम इसको किसके अंतर्गत सम्मिलित करेंगे, जैसे व्यापार, व्यापार को भी किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा, तो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। अब जैसे इसके अलावा, ये तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बातें होंगी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की कौन कौन सी चीजों को सम्मिलित किया जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, अब इसमें 17% की जो भागीदारी वह तो हो गया किसका, कृषि क्षेत्र का, और उसके बाद में 31% की भागीदारी हो गया किसका, आपका द्वितीय क्षेत्र का। इसका मतलब दोनों मिला कितना हो गया, 8 और 4, बचा कितना, तो यानी 52% की जो भागीदारी है वह किस क्षेत्र का है, तो आपका तृतीय क्षेत्र का है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भागीदारी तृतीय क्षेत्र की है, तो राइट उत्तर क्या होगा आपका, 52% की भागीदारी आपका तृतीय क्षेत्र का है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, ऑप्शन दिया प्राइमरी सेक्टर का, ऑप्शन दिया द्वितीय क्षेत्र का, ऑप्शन दिया तृतीय क्षेत्र का, और तब उत्तर क्या गाएंगे आप, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक भागीदारी तृतीय क्षेत्र का है।
यानी जो टोटल ये हमारी जीडीपी है, इस जीडीपी में लगभग कितना 52% की भागीदारी किस सेक्टर का है? तो आपका उत्तर होगा तृतीय क्षेत्र का या सेवा क्षेत्र का है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये अर्थव्यवस्था में को ये क्षेत्र के माध्यम से हम ये पता कर पाते हैं कि अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रही है। हमारा जो जीडीपी है वो लगातार बढ़ रहा है। आज दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश भारत बन गया है। तो अगर भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन गया, पहले तो नहीं था, इसका मतलब हमारी जीडीपी लगातार बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन किस चीज का? मात्र दो चीज का, वस्तुओं और सेवाओं का। जो प्रोडक्शन हुआ वस्तुओं और सेवाओं का कितने सेक्टर से आया? वो तीन सेक्टर से। अर्थात इसके माध्यम से हमारी क्या होगा, जीडीपी का पता चल पाता है कि हमारे देश में जीडीपी का क्या का प्रोडक्शन कितना, हमारी जीडीपी का विस्तार कितना हो रहा है, बढ़ कितना रहा है। और इसीलिए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं और परीक्षाओं में आपसे पूछा भी जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे आपके साथ में कि जो राष्ट्रीय आय है, यानी अब जीडीपी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत गणना किया जाता है, अब उसी वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। धन्यवाद।